Welcome back to my channel English Guru. Dear students today we have taken a poem from Honeysuckle class 6 and the title of the poem is "Where do all the teachers go?" This poem has been written by Peter Dixon. it is curious to know where do all the teachers go after the school is over So come on children let's start the poem.

कि उसका टीचर या उसकी टीचर जो है एक साधारण या आम इंसान होते हैं क्योंकि वो अपने टीचर्स को बहुत विशेष या बहुत ही अलग इंसान लेकर चलता है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो वेन इट्स फोर ओ क्लॉक तो बच्चे के मन में पहला क्वेश्चन यही आता है कि सारे टीचर्स जो हैं चार बजे के बाद कहाँ जाते हैं डू दे लिव इन हाउसेज एंड डो दे वॉच देअर सॉक्स बच्चे के मन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो भी घरों में रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं या बच्चे रहते हैं एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स क्या वो भी अपने सॉक्स या अपनी जुराबें या मोजे आप बोल सकते हो क्या वो भी वो धोते हैं डू दे वियर पैजाम एंड डू दे वॉच टी वी बच्चे के मन में ये क्यूरोसिटी है जानने की कि क्या उसके जो टीचर या अध्यापक हैं वो भी आम इंसानों की तरह पजामा पहनते हैं घर पर और क्या वो भी टीवी देखते हैं क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि मेरा टीचर हमेशा तैयार होकर रहता है वो आम आदमी की तरह घर के कपड़ों में उन्हें देखने की कल्पना नहीं कर पाता है डू दे पिक देर नोजेज़ द सेम एज़ यू एंड मी बच्चा ये सोचता है कि क्या उसका जो टीचर है वो भी अपना नाक कुरेद कर साफ करता है जैसे तुम और मैं तुम या मैं करते हैं डू दे लिव विद अदर पीपल हैव दे मम्स एंड डैड्स बच्चा ये जानना चाहता है कि क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं क्या उनके भी मम्मी और पापा होते हैं घर में एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड क्या वो भी जब बचपन में छोटे थे क्या वो भी छोटे थे या क्या वो भी उतने ही बुरे थे जैसे क्या वो भी बुरे थे मतलब उनको ये जानना चाहता है बच्चा कि क्या उसके टीचर भी बचपन में बुरे थे या गलत काम करते थे या उन्हें डांट पड़ती थी Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? क्या उन्होंने हमेशा या कभी गलत स्पेलिंग लिखे या कभी उन्होंने गलतियाँ की वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे pinched द चॉकलेट फ्लेक्स और क्या उन्हें भी कभी दरवाजे क्लास रूम में दरवाजे के पास खड़ा किया गया कोने में खड़ा किया गया एज ए पनिशमेंट या कभी उन्होंने भी चॉकलेट फ्लेक्स जैसे बिखेरे हों क्लासरूम में डेस्क uh, के ऊपर फेंके हों तो क्या उन्हें पनिशमेंट मिली है डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स क्या उन्होंने कभी अपनी हिम बुक्स हिम होता है बेटा जिसमें uh, प्रार्थनाएं होती हैं या कविताएं होती हैं क्या उन्होंने कभी वो बुक अपनी बुक उन्होंने गुम की हैं या कभी उन्होंने अपनी सब्जियां छोड़ी हैं लंच बॉक्स में डिड दिस scribble ऑन द डेस्क टॉप्स क्या उन्होंने कभी डेस्क के ऊपर कुछ उकेरा है नाम वगैरह लिखा है डिड दे वियर ओल्ड dirty जीन्स क्या उन्होंने कभी पुरानी और गंदी जीन्स पहनी है आई follow फॉलो वन बैक होम टूडे आई फाइंड आउट they दे डू देन आई विल पुट इट इन ए पोएम दैट दे कैन रीड टू यू तो बच्चा वो डिसाइड करता है कवि, एज ए चाइल्ड कि आज मैं इनमें से किसी एक टीचर को फॉलो करूँगा फॉलो मीन्स उनका पीछा करूँगा उनके घर तक जाऊँगा आई विल फाइंड आउट वर्ट दे डू और मैं ये फाइंड आउट करूँगा मैं पता करूँगा कि वे क्या करते हैं देन आई विल पुट इट इन अ पोएम फिर उन सारी एक्टिविटीज जो वो करते हैं मैं उन्हें एक कविता के रूप में लिखूँगा दैट दे कैन रीड टू यू जो कि वो आपके लिए फिर क्लास में पढ़ें उन्हें लिख कर आपके पढ़कर आपको बताएं कि वट टीचर्स डू तो बच्चों ये थी आपकी पोहम वेर डू ऑल द टीचर्स गो आई होप आपको ये पोहम समझ आ गई होगी और आपको इसको पढ़ने में मजा भी आया होगा तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं क्वेश्चन वन है वाई डज द पोइट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट फोर ओ क्लॉक यानी कि कवि यह क्यों जानना चाहता है कि अध्यापक चार बजे कहाँ जाते हैं तो इसका उत्तर बेटा आप लिखोगे द पोएट वॉन्ट्स टू नो वॉन्टेड टू नो वैसे यहां पे वॉन्ट्स आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में डज लगा है तो वॉन्ट के साथ एस लगेगा और डज हट जाएगा तो आएगा द पोएट वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट फोर ओ क्लॉक बिकॉज दिस इज द टाइम वेन द स्कूल गॉट या स्कूल गेट्स ओवर सेकेंड क्वेश्चन इज वट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट यानी कि साधारण लोग ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं जिनके विषय में कवि बात करता है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे द नॉर्मल द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट आर लिविंग इन हाउसेज वॉशिंग सॉक्स वियरिंग पैजामज वॉचिंग टी वी पिकिंग देयर नोजेज लिविंग विद देयर पेरेंट्स नॉट स्पेलिंग राइट

वट डज़ ही इमेजिन अबाउट अब इसमें तीन पार्ट हैं पार्ट एज वेयर डज टीचर्स लिव वो क्या इमेजिन करता है ही इमेजिन्स दैट द टीचर्स लिव इन हाउसेज वट डू दे डू एट होम वो घर पर क्या करते हैं दे वॉश देयर सॉक्स वोर पजामज पिक्ट

इसमें आप लिखोगे दे वर ऑल्सो बैड मेड मिस्टेक्स नेवर स्पेल्ड राइट एंड वर पनिश्ड इन द कॉर्नर फॉर पिंचिंग द चॉकलेट फ्लेक्स दे एवर लॉस्ट देयर हिम बुक्स स्क्रिबल्ड ऑन द डेस्क टॉप्स और वोर ओल्ड डर्टी जीन्स फोर्थ क्वेश्चन Why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? Poet ko hoti hai ki teachers bhi baaki logon ki tara kaam karte hain. The poet wondered if teachers also do things that other people do because he had seen them as superhumans. They are strict, did not make any mistakes and punished those who did. फिफ्थ क्वेश्चन हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट वट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट तो पोएट क्या प्लान करता है पता करने के लिए किस टीचर जो हैं आफ्टर स्कूल क्या करते हैं और जब उसे पता लग जाएगा तो वो क्या करेगा तो बच्चों इसका उत्तर लिखना है द पोएट प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ द टीचर्स ऑन द वे बैक होम दैट डे टू फाइंड आउट वट दे डिड Once he succeeds in doing uh, so, he would compose it into a poem which then those teachers would read to their students. Second question is What do you think these phrases from the poem mean? First is Punished in the Corner. इसका मतलब है गेटिंग पनिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास रूम यानि क्लास रूम में एक कोने में खड़े होने की सज़ा प्राप्त करना लीव देयर ग्रीन्स लीविंग द प्ले ग्राउंड आफ्टर द बेल स्ट्राइक्स फॉर द नेक्स्ट क्लास टू बिगिन और दूसरा इसका मतलब आप ले सकते हो बच्चों कि इफ़ दे एवर लेफ्ट वेजिटेबल्स इन देयर लंच बॉक्स जो उन्होंने सब्जियाँ अपनी छोड़ दी खाई नहीं और उसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिली हो क्लियर तो बच्चों ये थी आपकी पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी और आपने इसे इन्जॉय भी किया होगा तो आप इसे अच्छे से लर्न करें अपनी कॉपी में लिखें और अगले चैप्टर की तैयारी करें तब तक घर पर रहें सेफ़ रहें सुरक्षित रहें और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय बाय